हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विविध प्रश्नों लिखे हैं और क्वेश्चन नंबर है 24। क्या करें, निम्नांकित युगपत समीकरणों को हल करें। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया है 4x प्लस का 5y = 7, पहला इक्वेशन है। दूसरा दिया है 3/x प्लस का 4y = 5, ये दूसरा समीकरण है। एक काम करते हैं, समीकरण एक में 3 से गुना और समीकरण दो में 4 से गुना, ताकि यहाँ देखिए 12x और यहाँ भी 12x हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 12y में x प्लस का 15y = 21। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12y में x प्लस का 16y = 20। साइन चेंज कर देते हैं, चलिए ये आपका कैंसिल। माइनस का y = 1, यानी कि y का वैल्यू माइनस का बन गया। अब y का वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण एक या दो में रख देते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो 4/x प्लस का 5 गुना y की जगह -1 और बराबर में 7। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा 4/x माइनस का 5 = 7, -5 उधर जाके प्लस का, तो 4/x = 12 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12x = 4, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 4/12, 4 × 3 = 12, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ पर 1/3। तो इसलिए लिख सकते हैं कि x का मान हो गया 1/3 और y का मान -1। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड